हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीके क्लब में। आइए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको हर दिन का अपडेट देते रहूँगी कि अभी क्या केवीसी में क्या चल रहा है। तो बहुत से दोस्तों का ये सवाल आया है कि फाइनल सिलेक्शन कॉल कब आएगा मैम, केवीसी से कब तक पता लगेगा हम फाइनल में सेलेक्ट हुए कि नहीं, और फाइनल कॉल कब तक आ सकती है, क्योंकि जिनका वीडियो ऑडिशन अच्छा गया है, जिन्होंने रिटर्न में अच्छा किया है, वो सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कॉल आएगी। और उसके बाद था कि कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि कैसा रहा वीडियो ऑडिशन का रिज़ल्ट, क्या रहा, कितने लोग सेलेक्ट हुए, कितने लोगों को होना है। तो आप सभी को ये कन्फ्यूज़न बनी हुई है। चलिए आज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकूँ। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने ये इनिशिएटिव सिर्फ आप लोगों के लिए ही लिया है, क्योंकि मैं खुद ऐसे कंटेस्टेंट से मिली जिनको कोई अपडेट नहीं मिल पाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पता करके हर तरफ से आपको सटीक जानकारी दे सकूं। मैं कुछ भी आपको इधर उधर से नहीं बताऊंगी, सारी जानकारियां जो भी होंगी आपकी सटीक होंगी और पॉइंट वाइज ही होंगी। चलिए देखते हैं दोस्तों। और केवीसी का रिवाइज सर्कुलर भी है, जिसको मैं अभी इस वीडियो में लिंक पर शेयर कर दूंगी। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार उसको देख लीजिएगा क्या है, क्योंकि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू है, सोनी लिप का है, सर्कुलर है, तो उससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और आप किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएँगे, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जाएँगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए दोस्तों, अभी आप लेवल फाइव में जाने वाले हैं। अभी आपने लेवल फोर क्लियर किया है। जिन दोस्तों का अच्छा रहा वीडियो ऑडिशन, जिनका नहीं रहा कोई बात नहीं है, आप ट्राई करते रहिएगा, क्योंकि ये सब लक है। और इसमें जैसे कि आपको अगर मैं कहूं कि कितने लोगों का सिलेक्शन होना है, तो दोस्तों जो हमारा पहला राउंड था, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले राउंड में क्या होना था हमारा कि आपका टोटल जो थे 22,500 लोगों का सिलेक्शन हुआ लेवल थ्री में। सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, वो पता नहीं कितने लाख लोगों ने किया होगा सोनी लिप पर। उसके बाद आपने केवीसी में जब आंसर दिए, तो वहाँ से आपको आईवीआर कॉल आई। आईवीआर कॉल में आपको 22,500 लोगों को बुलाया गया आईवीआर कॉल में। उसके बाद अभी जो सिलेक्शन हुआ दोस्तों, वो 4800 का हुआ। 4800 का कैसे हुआ, क्योंकि आपको 6 दिन आपका इंटरव्यू था, और हर दिन कम से कम 750 से 800 लोग आए होंगे, 750, और उसमें अगर 200-250 हर बैच में से अगर लिए गए होंगे, तो कुल मिला के आप मान सकते हैं 4,500 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अभी ये कैसे करेंगे, अभी हर वीक 10 कंटेस्टेंट्स का सिलेक्शन होगा, तो उसको आप लेवल फाइव का नाम देंगे। लेवल फाइव में क्या है, आपको पहले देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मिनट, हाँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि लेवल फाइव में क्या होना है, देखिए, 2 मेंबर ज्यूरी होगी आपकी, 2 जज होंगे पैनल में, जो आपको आपका ऑडिशन कैसा गया है उस बेसिस पर इवेल्युएट करेंगे, और आपकी आपने आंसर शीट में कितना सही किया है। मान लीजिए किसी ने 20 out of 20 किया है, और उसका बहुत अच्छा गया इंटरव्यू, 20 out of 20 किया है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा तो वैल्यू देंगे। और उसके बाद अगर बात करूं मैं कि देखिए, जैसे उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो ऑल द ऑडिशनीज ऑन द बेसिस ऑफ आंसर शीट एंड द रिकॉर्ड फुटेज ऑफ द वीडियो ऑडिशन, आपने वीडियो कितना कॉन्फिडेंटली बोला है वो भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद वहाँ से एक बार तो आपका इवेल्युएशन हो गया फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम में क्या होगा दोस्तों, सेकेंड टाइम में आपके लिए 3 मेंबर ज्यूरी होंगे, ठीक है, और 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कंपनी एंड एन इंडिपेंडेंट मेंबर्स। मतलब ये इस तरह से होंगे, आप खुद देख लीजिए इन चीज़ों को, कि 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा फ्रॉम द कंपनी एंड 1 इंडिपेंडेंट मेंबर, एक जज होगा, और बाकी के क्या होंगे, कंपनी के मतलब सोनी लिप की तरफ से होंगे। द जजेस विल सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर शीट, आपकी आंसर शीट भी वैल्यू करती है। आप जैसे कुछ दोस्तों का था कि मैम 15+ पा गए तो भी हम सेलेक्ट हो गए, तो ऐसा ज़रूरी
ठीक है, आप सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन आपका जब फाइनल सिलेक्शन होना है, जब आपको उन 1600 लोगों में आना है फाइनली जो आ रहे हैं 1500-1600, तो उनमें आपको आंसर शीट भी वैल्यू करेगी, और उसके बाद वीडियो ऑडिशन जो आपने दिया वो वापस से फिर से, पहले तो 2 मेंबर ने किया जूरी ने, अभी 3 करेंगे, ठीक है, 2 टाइम आपका इवेल्युएशन होना है। फिर उसके बाद बोले 2 लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द फास्टेस्ट फिंगर राउंड, 2 लिस्ट बनेगी पार्टिसिपेंट्स की, आउट ऑफ विच 1 लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विल बी यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट पर्पस। आप जैसे आपका सेलेक्ट, कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने मना कर दिया एंड मेन टाइम पर किसी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता हूँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, कुछ भी ऐसा हो गया सडन से, तो उसके लिए आपकी इधर भी एक लिस्ट बनेगी, फिर एक लिस्ट बनेगी कुछ मेंबर्स की, और इसमें से सेम नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स दोनों में होंगे, और अगर मान लीजिए फर्स्ट वाले में कोई मना करता है तो दूसरे वाले से एक को ले लेंगे रिप्लेसमेंट के लिए। अब इसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है दोस्तों द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू बी सिलेक्टेड पर वीक फॉर द फास्टेस्ट फिंगर। देखिए उसके बाद क्या, 10 पार्टिसिपेंट्स फॉर ईच वीक कंप्राइजिंग ऑफ 5 एपिसोड पर वीक, ठीक है, एक वीक में 5 एपिसोड्स होते हैं, ठीक है, तो टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स लिए जाएंगे और वो पूरे वीक खेलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि आप 2 लिस्ट होगी, ठीक है, 10-10 की 2 लिस्ट होगी, स्टार्टिंग के 10 में अगर कोई रिप्लेस करता है नहीं आता है तो दूसरे वाले से एक स्टैंड बाई लिस्ट रखते हैं, दूसरी लिस्ट को बोलते हैं स्टैंड बाई, जिनके मेंबर्स को आप इनको अपने क्राइटेरिया के बेसिस पर बुलाते हैं पहली लिस्ट में, ओके। फिर उसके बाद इन एडिशन टू द बैकअप पार्टिसिपेंट्स विल बी सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द शो, इन एडिशन टू दिस बैकअप पार्टिसिपेंट्स विल बी सिलेक्टेड टू द पार्टिसिपेट इन द शो, जो आपकी बैकअप लिस्ट रखी हुई है स्टैंड बाई वाली वो शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट फेल होते हैं अपियर होने में तो बैकअप में जो है या स्टैंड बाई जो सेकेंड लिस्ट वाले मेंबर्स हैं उनको बुला लिया जाता है खेलने के लिए। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों ये प्रॉपर सर्कुलर है सोनी लिव का, मैंने कुछ भी नहीं मैनिपुलेट किया, मैं सिर्फ आपको ऑथेंटिक जो भी जानकारी है वही दे रही हूँ। देखिए नेक्स्ट है इन एडिशन टू द बैकअप पार्टिसिपेंट्स 10 पार्टिसिपेंट्स मे बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम मुंबई, ओके, फ्रॉम मुंबई अगेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्यू। डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले जो सबसे अच्छा परफॉर्मर होगा, फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा सा कम होगा, फिर उससे कम होगा, मतलब इस तरह से बुलाएंगे। तो एज स्टैंड बाई इन ऑर्डर टू रिप्लेस एनी दो, वही बात है जो मैंने आपको बताई कि 2 लिस्ट बनेगी, पहले सब स्टार्टिंग के 10 ऊपर के छांट लिए जाएंगे, उसके बाद जो बचते हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये आपकी मेन लिस्ट है, ये आपकी है स्टैंड बाई या बैकअप लिस्ट, आप ऐसा बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, इन एडिशन देयर विल बी स्पेशली सेलिब्रिटी एपिसोड्स वीक, आपको पता है वीक में एक दिन सेलिब्रिटी एपिसोड्स होते भी हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेंट्स विल बी परफॉर्म थ्रू एन ऑल्टरनेट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कास्टिंग बाई द कंपनी, जिसमें बाकी की चीज़ें सोनी लिव तय करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट एंड क्रिएटिव डिस्क्रिशन, सॉरी देखिए बेस्ड ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट एंड क्रिएटिव डिस्क्रिशन द फाइनल सेलेक्शन ऑफ द कंटेस्टेंट्स फॉर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड ऑफ एनी एपिसोड वीक ऑफ द शो विल बी मेड फ्रॉम अमंग्स्ट द शॉर्टलिस्टेड पूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। वंस अ पार्टिसिपेंट इज सेलेक्टेड एज ए कंटेस्टेंट फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड ऑफ एनी एपिसोड द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी इंश्योर। फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप यहाँ तक जानिए कि आपको कॉल कब आ सकती है, ठीक है, उसके बाद फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक की प्रोसेस क्या है, उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ तक जानना है, तो अगर आप बात करें कॉल की दोस्तों, तो कॉल की अगर बात करेंगे तो ये पर वीक कितना लेना है इनको, 10 सिलेक्शन करने हैं, ठीक है, पर वीक इनको 10 कंटेस्टेंट चुनने हैं, तो ये हर वीक आपको कॉल करेंगे जो भी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्टिंग के एक ही मंथ में सारा सिलेक्शन हो जाएगा,
ये पूरा सिलेक्शन, इनका शो स्टार्ट होता है 15 अगस्त के बाद से और पूरा दिसंबर या नवंबर तक चलेगा ही चलेगा। तो तब तक आपको हर वीक कॉल आने की संभावनाएं हैं। तो आप हो, आई होप आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने हमारे अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और वो विश कर रहे हैं कि उनकी कॉल आए, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी कॉल ज़रूर आएगी। इसके बाद वहाँ जाने की गाइडलाइंस क्या हैं, आपको क्या क्या करना है, टिकट कैसे करना है और आप कितने मेंबर्स को ले जा सकते हैं, इसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरी मेहनत ही आपके लिए शायद कुछ अच्छा करे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।